की किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़ीरा आलू मेरी स्टाइल में। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि ज़ीरा आलू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आ जाइए मेरे साथ मेरी किचन में, मिलकर बनाते हैं ज़ीरा आलू। हाँ तो फ्रेंड्स, ज़ीरा आलू बनाने के लिए मैंने लिए यहाँ 250 ग्राम आलू लिए हैं। इन्हें मैंने छीला है, फिर अच्छी तरह से वॉश किया है 3-4 बार, और उसके बाद मैंने इन्हें इस तरीके से कट किया है। एक आलू के 4 पीसेस करके फिर मैंने इस तरीके से कट किया है, ये देखिए। और इन्हें बस इतना मोटा रखना है, इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। और कट करने के बाद मैंने इन्हें एक बार और वॉश किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं गैस की तरफ, बना लेते हैं ज़ीरा आलू। तो यहाँ मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है 4 टेबल स्पून। ये मैंने 4 टेबल स्पून डाला है, अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून लिया है। तो अभी मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, ये जाएगा। एक बार हम इसे हिला लेंगे। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू, बस अब हम इसमें आलू डालेंगे और आलू डालकर चलाएँगे। अच्छी तरह से हम इन्हें चलाएंगे, मीडियम फ्लेम पर बनाना है हमें। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, बस मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट हम फ्राई करेंगे आलूओं को। तो ये देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं और मैंने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। हल्का कलर भी चेंज हो गया है, ये देखिए हल्का सा गोल्डन हो गया है। बस इतना ही हमें फ्राई करना है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले, नमक तो डाल लेते हैं हम। तो यहाँ हम सबसे पहले नमक डालेंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये जाएगा। 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च जाएंगी। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे हम, ये चिली फ्लेक्स से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं। बस अब इस पॉइंट पर हम करेंगे इन्हें अच्छी तरह से मिक्स। तो कर लेते हैं, इसमें पानी नहीं डालना है, बस इसी तरह से इन्हें बनाना है। ये ऑयल में ही फ्राई होकर गल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है, बहुत टेस्टी लगते हैं। जब भी अपन को जल्दी है और टिफ़िन बनाना है, लंच बॉक्स, तो बस बच्चों के लिए झटपट से ये आसान सी रेसिपी बना दें। तो बस अभी इसको हम 2 मिनट ढक कर रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिश आउट कर लिया है और पुदीना पत्ती से गार्निशिंग कर लिया है। अभी एकदम खूबसूरत सी दिख रही है हमारी ये ज़ीरा आलू की सब्ज़ी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ज़ीरा आलू की रेसिपी, मुझे ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये ज़ीरा आलू की रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द लौट कर आऊँगी एक नई फ़न रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।